रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर जिला द्वारा उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारी सहयोगी जयाश्री ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपाई नेताओं द्वारा उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, जिसका कारण यह है, इन्होंने नारा लगाया है कि बेरोजगारी और अतिक्रमण और युवाओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है हेमंत सरकार, और उपायुक्त भी इनकी बातों को सुन नहीं रही है, नजरअंदाज कर रही है। इससे पूर्व ये सारे भाजपा नेतागण, पदाधिकारी और पार्षदगण लोग ये जिला स्कूल के मैदान में एकत्र हुए थे, वहाँ उन्होंने रणनीति बनाई। अब ये बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय की ओर कूच कर चुके हैं। आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रशासन की पूरी तैयारी है कि ये जो रैली है, ये जो बड़े हुजूम बढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ज्यादा अतिक्रमण ना करें, ज्यादा विरोध ना करें। आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कि लगातार नारा निकाला जा रहा है कि सरकार निकम्मी है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किसान सर, संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और सभी भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी, नेतागण, मंत्रीगण यहां पर आए हुए हैं उपायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए। आपको हम इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सरकार से किन मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। इंतजार किया, दो साल इंतजार किया, तीसरा साल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कुर्सी पर लात नहीं मारी, अब तो जनता तैयार है कि रोजगार दो, नौकरी दो 5 लाख, नहीं तो जनता आकर कुर्सी पे लात मार देगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इसीलिए हम सब आज हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी मुखरता के साथ जनता की आवाज को उठाने का काम कर रही है। आज पूरे रांची वासी भाजपा के बैनर तले हेमंत सोरेन को हटाने के लिए मैदान में उतरे हैं। हम लोग तब तक जनसंघ करेंगे जब तक सरकार वापस अपने आप को न ले ले, क्योंकि जिस तरह की सरकार चल रही है जनता का कोई कारण नहीं हो रहा। जिस तरह से आपने देखा कि बड़ा हुजूम उपायुक्त कार्यालय की ओर बढ़ रहा है, उपायुक्त कार्यालय का घेराव करने निकले हैं, इनका कहना है कि सरकार हेमंत सरकार को हटाना है और जब तक ये सरकार नहीं हटेगी तब तक ये आंदोलन करेंगे, तब तक ये विरोध करेंगे। भाजपा के नेतागण, विधायक, सभी मंत्री उपायुक्त कार्यालय की ओर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, डीसी से मिलने आए हैं। आप देख सकते हैं कि दरवाजे के ऊपर चढ़ रहे हैं, अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रशासन यहां तैनात है, लोग लाठी लेकर खड़े हैं, ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और यहां पर प्रशासन की पुख्ता तैयारी है। डीसी ऑफिस के दरवाजे को बंद किया गया है, इसको लेकर सब